ही इंसल्टेड मी, उसने मेरा अपमान किया, इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, कोई मेरा इंसल्ट करता है तो जो इंसल्ट किया है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। जो इंसल्ट किया है उसका जो मीनिंग मैंने लगाया हुआ है वो रिकॉर्ड होता है। अभी क्या होता है कि वो रिकॉर्डेड मीनिंग जो है वही मैं बार बार दोहराता हूँ, और जब मैं रिकॉर्डेड मीनिंग बार बार दोहराऊंगा तो मेरा क्या हाल खराब होगा, कितना हाल खराब होगा, आप समझ सकते हैं। जो रिकॉर्डेड है कि नहीं उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अरे उसने बोला वो हो गया पास्ट में, मगर पास की चीज़ें हम दोहराएंगे तो उसमें से क्या निकलने वाला है। कल के खट्टे दही से यदि आज भी मैंने दही बनाना चालू किया तो वो भी खट्टा होने वाला है। एक्चुअली उसने जो मुझे बोला उससे मुझे दुख नहीं होता है, जो बोला वो पास्ट में बोला है, मगर उसकी मैंने जो सीढ़ी बनाई हुई है, उसकी जो मैंने कैसेट बनाई हुई है, उसका जो मैंने रिकॉर्डिंग बनाया हुआ है, और जो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है वो बार बार मैं दोहराता हूँ और वो मुझे दुखी करता है। उसने तो एक ही बार बोल दिया मगर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, फिर एक्चुअली मैं कौन किसका इंसल्ट कर रहा है, कौन किसका नुकसान कर रहा है? एक्चुअली तो मैं मेरा इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं मेरा नुकसान कर रहा हूँ। उसने तो एक ही बार बोल दिया, मैं 10 बार बोल रहा हूँ भी, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे मूर्ख बोला, उसने मुझे अक्ल नहीं ऐसा बोला, उसने मेरा इंसल्ट किया। अरे उसने किया वो तो हो गया, अभी आप जो बार बार दोहरा रहे हो उसे आपका नुकसान हो रहा है, वो नहीं हम समझते। उन्होंने कितना गलत किया वो हम बोलते रहते हैं, मगर आप अपने आप से कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना अपने आप का कितना खराबा कर रहे हैं वो हमको नहीं दिखता है। हम बोलते हैं कि नहीं वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, मेरा दोस्त मुझे प्यार नहीं करता है, फिर वो भी दोस्त मुझे प्यार नहीं करता है, फिर बाकी भी सब दोस्त मेरा अपमान करते रहते हैं, मेरे को प्यार नहीं करते रहते, फिर घर के लोग भी मुझे प्यार नहीं करते रहते, मतलब चालू हो गया, बड़ा होना चालू हो गया। एक आदमी ने किसी ने कुछ किया उसका मैं मीनिंग लगाता हूँ और वो मीनिंग लेकर फिर सब लोग मेरे से ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बोलना शुरू कर देता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं रहता है। तो उसका मीनिंग हम लगाते हैं, वो मीनिंग लगाना हमने बंद करना है। कोई मेरा इंसल्ट नहीं करता, महात्मा गांधी जी ने बोला है कि नोबडी कैन इंसल्ट मी बिकॉज आई हैव नॉट गिवन परमिशन फॉर दैट टू एनीवन। कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, क्योंकि मैंने वो किसी को अधिकार दिया नहीं है या किसी को वो परमिशन दी नहीं है, मैं मेरा इंसल्ट कर सकता हूँ। और आप वही चीज़ दोहरा के अपना इंसल्ट आप कर रहे हो, इतना ख्याल रखना जरूरी है। हम बार बार वही बोलते हैं, बार बार वही दोहराते हैं और फिर खुद से प्यार करना छोड़ देते हैं। यदि हमने अपने आप के ऊपर प्यार करना चालू किया तो कम से कम ये दुनिया में एक व्यक्ति रहेगा कि जो आपसे प्यार कर रहा है, और वो है आप खुद। वो आदमी एक बार बोल के चले जाता है, वो दोबारा मिलता है, अभी वो चेंज हो गया है, मगर मैं वही कैसेट दोहरा रहा हूँ, उसने मेरा इंसल्ट कर लिया। अरे उसने जब जो भी कुछ बोला उस समय वो कौन से हालत में था, उस समय वो क्या सोच रहा था, उस समय वो गुस्से में था, उस समय वो बीमार था करके उसने ऐसा व्यवहार किया, हमको कुछ पता नहीं चलता है, हमको कुछ मालूम भी नहीं रहता है, मगर वो आदमी ऐसा कर रहा है, वो आदमी ऐसा मुझसे किया, वो रिकॉर्डिंग मेरे दिमाग में बैठ जाता है, उसका मीनिंग बैठ जाता है, और मैं मुझको खुद को दुखी करता हूँ, एक्चुअली वो दुखी मुझे करता ही नहीं है। तो भी आज से अपने आप को दुखी करना छोड़ो। जो भी अतीत में घटना हुई है वो घटना हुई है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, हम जो भी उसका मीनिंग लगाएंगे वो मीनिंग है। अपने आप को अच्छे सजेशन दो, अपने आप को अच्छी संभावना अपने आप में तैयार करो, आत्म सुझाव अपने आप को अच्छा दो, और एक अच्छे व्यक्ति आप बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।